हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो से हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सब्जेक्ट का नाम है एल्गोरिथम, और एल्गोरिथम सब्जेक्ट जो होता है वो कंप्यूटर साइंस का कोर सब्जेक्ट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम की बात करें या जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे गेट और नेट एग्ज़ाम की बात करें या कोई भी पब्लिक सेक्टर एग्ज़ाम है या प्लेसमेंट से रिलेटेड अगर बात करें। तो कोई भी अगर कैंपस इंटरव्यू या कहीं भी हम टेक्निकल इंटरव्यू में जाते हैं तो एल्गोरिथम से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन होती है कि एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट। तो अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है, हमें उसको सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, सिंपली एल्गोरिथम। फॉर एग्जांपल, वैसे कंप्यूटर साइंस फील्ड में अगर बात करें, कंप्यूटर साइंस में अगर कोई भी एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है, प्रोग्राम लिखते हैं, राइट। कोई भी एक प्रॉब्लम अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम लिखते हैं। लेकिन कोई भी अगर प्रॉब्लम होगी, उसको सॉल्व करने से पहले उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, देन उसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। क्या मतलब इस बात का कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, एल्गोरिथम। एल्गोरिथम जैसे हमको मिला, उसके बाद उसको हम प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। मतलब एल्गोरिथम क्या होता है, एक तरीके से प्रोग्राम का ब्लूप्रिंट होता है। एल्गोरिथम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं लिखा होता है, मतलब C++ जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिंपल क्या होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है। किसी भी नेचुरल लैंग्वेज में हम एल्गोरिथम को लिख सकते हैं, ताकि जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक स्टेप वाइज हमको मिल गया। क्योंकि क्या होता है, डेफिनेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें मिला जिसको हम एल्गोरिथम कह रहे हैं, तो उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोग्राम है, साथ ही साथ क्या है, एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट होता है, और प्रोग्राम तो प्रोग्रामिंग किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे, चाहे C++ जावा हो, बट एल्गोरिथम को लिखेंगे कहाँ। तो एल्गोरिथम को हम पेपर पे भी लिख सकते हैं या किसी भी सॉफ्टवेयर में, चाहे वो आपका MS वर्ड हो, नोटपैड हो, वर्डपैड, किसी भी उस पे लिख सकते हैं, कि उसमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, डाउट, कि अगर जैसे अगर बात करें सी प्रोग्राम की, तो जो फर्स्ट ईयर में नॉर्मली सी प्रोग्राम पढ़ाया जाता है, तो सी प्रोग्राम की जब लैब होती है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहला प्रोग्राम जो होता है हेलो वर्ल्ड, या दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम कराते हैं। तो उसके लिए हमें कोई एल्गोरिथम नहीं लिखना होता, डायरेक्टली क्या होता है, हम जाते हैं और प्रोग्राम लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। कहीं भी हम उसको रिटर्न फॉर्म में किसी भी सॉफ्टवेयर में या पेपर में हम लिखते नहीं हैं। तो ये कन्फ्यूज़न हो सकती है कि इस प्रोग्राम के लिए हमने कोई एल्गोरिथम तो लिखा ही नहीं, तो इसका मतलब एल्गोरिथम मैंडेटरी नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं आप अपने किसी भी कंपाइलर पे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपका लॉजिक डेवलप होता है आपके दिमाग में, उसी को एल्गोरिथम कह रहे हैं। तो अगर बात करें लॉजिक, लॉजिक का मतलब एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब लॉजिक। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक पता, तो उसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लेंगे, चाहे C++, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, राइट। तो एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से हम एल्गोरिथम को थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि एल्गोरिथम क्या है बेसिकली। कि अगर मान लो आपको कोई भी एक रेसिपी, सपोज दैट आपको मैगी बनानी है, राइट। तो मैगी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम वाटर लेते हैं, उसको एक बर्तन में रखते हैं, उसके बाद जो है उसको बॉईल करते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैगी के साथ, मैगी, मैगी मसाला, उसको उसमें मिक्स करते हैं, उसके बाद उसको बॉईल करते हैं, फिर फाइनली हमारी मैगी तैयार हो जाती है। फिर उसको खा लेते हैं या खिला देते हैं, कुछ भी करते हैं, राइट। तो वो क्या, एक सीक्वेंस ऑर्डर में क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें एग्जीक्यूट, यानी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने तब जाके वो मैगी बन रही है। तो इसी को क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम। सिंपली जो आपका इस एग्जाम्पल के थ्रू जैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोग्राम था, तो इसका ब्लूप्रिंट क्या है, आपका एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लेंगे। अब आते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम पे। सपोज दैट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि हमें क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है, राइट। तो इस एवरेज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमने कुछ स्टेप्स लिखे हैं। स्टेप वन क्या है, टेक एन नंबर्स एज अ इनपुट। तो हम क्या करेंगे, जितने भी नंबर्स का हमें एवरेज कैलकुलेट करना होगा उसको हम एज अ इनपुट लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे, यानी सबको ऐड करेंगे, तो फाइनली जो रिजल्टेंट हमको वैल्यू मिल रही है। उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, उसको उस नंबर से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एन की वैल्यू अगर एज ए इनपुट हम 15 कराते हैं, यानी 1 से 15 नंबर है, यानी 1, 2, 3 till 15, इसका एवरेज कैलकुलेट करना है, तो क्या करेंगे, सबको सम कर लेंगे, उसके बाद 15 से डिवाइड करेंगे, तो ये रिजल्ट आएगा। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सीक्वेंस में जो सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, इसी को क्या कह रहे हैं, एल्गोरिथम। तो ये हम नेचुरल यानी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट, ये भी एक सोल्यूशन है, एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन। अब इसको हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर लेंगे। बट हम जो इस जो है सब्जेक्ट में जो भी एल्गोरिथम आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो इस फॉर्म में नहीं लिखा होगा, प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज में हम नहीं लिखेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, हम स्यूडो कोड यूज़ करते हैं। स्यूडो कोड बेसिकली क्या होता है, स्यूडो का मतलब क्या होता है,
सीडो का मतलब होता है फॉल्स, फॉल्स ओके, मतलब वो आपको दिखने में तो लगेगा कि वो कोई एक कोड लिखा हुआ है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह दिखेगा, बट ये एक्चुअली नहीं होगा। क्यों? अगर इसको देखें तो केयरफुली, तो ये थोड़ा बहुत सिमिलर लग रहा है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह, राइट? कि लेकिन ये अगर हम इसको सी कंपाइलर पे अगर इसको हम कंपाइल करेंगे तो इस पे एरर शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि देखो यहाँ क्या है, सम, सम एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू हमने जीरो इनिशियलाइज़ की है, बट इसका कोई भी डेटा टाइप हमने डिफाइन नहीं किया, कोई डेटा टाइप नहीं है और फॉलोड बाय सेमी कॉलन भी नहीं है, तो ये एरर शो कर देगा। या जैसे यहाँ एवरेज है, एवरेज हमने एक वेरिएबल ले लिया बट इसको हमने कहीं जो है डिफाइन नहीं किया, तो क्या होगा, अनडिफाइंड वेरिएबल आ जाएगा, ये एरर शो कर देगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, स्यूडो कोड क्यों लिख रहे हैं हम किसी भी प्रॉब्लम का, हम स्यूडो कोड क्यों लिखेंगे? इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसको इस पर्टिकुलर अगर इसको इससे कंपेयर करें तो इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू स्यूडो कोड। तो इसलिए जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी एल्गोरिथम हम डिस्कस करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो कुछ भी होगा हम स्यूडो कोड में लिखेंगे। तो ये था बेसिक डेफिनेशन, ये क्या होती है एल्गोरिथम की डेफिनेशन, क्यों एल्गोरिथम की ज़रूरत है, एल्गोरिथम की ज़रूरत क्योंकि एक बार अगर हमें सोल्यूशन मिल गया तो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, राइट? उसके बाद जो है फिर अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि क्या क्या जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं एल्गोरिथम की, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट? सो अब देखते हैं एल्गोरिथम की कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़। तो इसकी टोटल 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सबसे पहला इनपुट, देन आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस, राइट? तो सबसे पहला क्या है, अगर कोई भी एक एल्गोरिथम है ओके, तो इसको हमें क्या करना होगा, कोई ना कोई इनपुट प्रोवाइड करना होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी एल्गोरिथम होते हैं जिसको ठीक है इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं, तो वो बिना इनपुट के भी आपको आउटपुट देता है, ओके? जैसे अगर बात करें, अगर एक एल्गोरिथम हम फंक्शन से कंपेयर करें तो फंक्शन में कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हम उसको कोई ना कोई पैरामीटर दें, ओके? बिना पैरामीटर के भी वो एग्जीक्यूट होता है और हमें रिजल्ट देता है। तो ये क्या आपका इनपुट जो होगा वो जीरो और मोर, यानी बिना इनपुट के भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं और ठीक है, और उसके साथ क्या होता है इनपुट भी होता है। दूसरा क्या, आउटपुट। तो कोई भी अगर एल्गोरिथम है तो उसके करस्पॉन्डिंग एटलीस्ट कोई ना कोई आउटपुट होना चाहिए। अगर कोई हमारे पास जो है एल्गोरिथम हम एग्जीक्यूट करें और उसका कोई आउटपुट नहीं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये सिंपल सी चीज़ है इनपुट एंड आउटपुट। तो एटलीस्ट क्या होगा आपका, एटलीस्ट वन आउटपुट, राइट? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्या आपका, डेफिनाइटनेस। तो डेफिनाइटनेस का मतलब ये है कि जो भी हम एल्गोरिथम्स किसी भी प्रॉब्लम के करस्पॉन्डिंग जब हम एल्गोरिथम लिखेंगे तो उसमें जो भी स्टेप्स होंगे वो बहुत ही क्लियर होंगे, क्लियर, और साथ ही साथ क्या होंगे, जितने भी स्टेप्स होंगे एल्गोरिथम के वो सारे क्या होंगे, अनएम्बिगुअस होंगे, राइट? तो अनएम्बिगुअस का मतलब यहाँ पे क्या है, यानी क्लियर का मतलब जो चीज़ लिखी है एग्जैक्टली उसी का मतलब, अनएम्बिगुटी का मतलब ये होता है कि किसी स्टेटमेंट के मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हों। तो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं होगा, जैसे हमने ये लिखा टेक एन नंबर्स एज ए इनपुट, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमें क्या करना है, एज ए इनपुट नंबर्स लेना है, वो आपका 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी ये क्रिस्टल क्लियर है, राइट? मतलब क्लियर लिखा हुआ है, यहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। फाइंड द सम ऑफ एन नंबर्स, सम का मतलब सबको पता है कि हाँ भाई सबको ऐड करना है, और यहाँ क्या, डिवाइड सम बाई एन, तो यानी डिवीजन का मतलब, यहाँ कोई एम्बिग्यूटी नहीं। एम्बिग्यूटी का मतलब जैसे रेसिपी वाला जो एग्जाम्पल मैंने दिया है कि मैगी, अगर तो आप लोगों ने अगर कोई भी रेसिपी वाला यूट्यूब चैनल देखा होगा तो वहाँ क्या कहते हैं कि नमक जो है डाली वो स्वाद अनुसार, तो स्वाद अनुसार का मतलब एक एम्बिगुअस वर्ड है। अगर कहीं लिखा है कि हाँ भाई उसमें क्या करना है 50 ग्राम जो है वो आपको नमक डालना है तो वो एकदम एग्जैक्ट हो गया, ओके, डिटर्मिनिस्टिक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन कह दिए स्वाद अनुसार, तो स्वाद अनुसार कोई एक स्पून डालता है, कोई दो स्पून डालता है, तो ये क्या हो गया, एक एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी, राइट? तो इस तरह के स्टेटमेंट हमें नहीं लिखना है। तो ये हो गया डेफिनाइटनेस। नेक्स्ट है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस का मतलब ये है कि जो आपके एल्गोरिथम में नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे। जैसे ये एल्गोरिथम कितने 3 स्टेप में कंप्लीट हो जा रहा है, वो आपका 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, ओके, लेकिन कीप ऑन गोइंग नहीं हो सकता कि हाँ उसके स्टेप्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो नंबर ऑफ स्टेप्स शुड बी फाइनाइट। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिवनेस। तो इफेक्टिवनेस का सिंपल मतलब कि आपका जो एल्गोरिथम है वो इफेक्टिव होना चाहिए। इफेक्टिव का मतलब ये कि जितने स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, अब जैसे यहाँ क्या है, एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें सिर्फ 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट है, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। जैसे मान लो अगर हमें ज़्यादा का मतलब ये है कि उस अगर 3 स्टेप्स में सारे प्रॉब्लम का सलूशन हमको मिल जा रहा है तो हमें 4/5 या 6 लाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर बात करें रेसिपी वाला, अगर हम मैगी के लिए बना रहे हैं तो उतने ही इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए जिसमें उसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स्ट्रा चीज़ हम लेके क्या करेंगे अगर उसको हम यूज़ कर ही नहीं रहे, राइट? तो ये हो गया प्रॉपर्टी, इनपुट आउटपुट, डेफिनेटनेस, फाइनाइटनेस एंड इफेक्टिवनेस। अब एल्गोरिथम में एक इंपॉर्टेंट जो टेक्निकल पॉइंट वो ये है कि एल्गोरिथम जो होना चाहिए, एल्गोरिथम करेक्ट होना चाहिए। एक उसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम। तो करेक्टनेस का मतलब क्या है कि सपोज दैट आपके पास जो एल्गोरिथम है ओके, उसको जो हम इनपुट देंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें आउटपुट मिल रहा है,
करेक्टनेस का मतलब ये है कि जो हम इनपुट देंगे, यानी कोई एल्गोरिथम अगर हमने डिज़ाइन किया, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग का हमारे पास अगर एल्गोरिथम है, तो उसको हम क्या करेंगे, इनपुट एज अ एरे देंगे, एरे ऑफ एन नंबर्स, तो उसमें नंबर क्या हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं। तो जब हम एज अ इनपुट इसको देंगे तो इसका कोई ना कोई एक डोमेन होगा कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डोमेन का इनपुट होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर डोमेन के इनपुट पे इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, सॉर्टिंग है तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी एन नंबर्स की एरे इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम को देंगे तो उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो सॉर्टेड ऑर्डर आना ही चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ इनपुट पे उसका रिजल्ट सॉर्टेड आ रहा है और कुछ इनपुट पे उसका रिजल्ट सॉर्टेड नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल अगर घड़ी की बात करें, तो अगर कोई घड़ी है जो कि बंद है, उसमें उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, वो घड़ी बंद होते हुए भी 24 आवर्स में वो 2 बार सही टाइम देगी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि घड़ी सही काम कर रही है, राइट। तो इससे ये समझ कि एल्गोरिथम जो होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए। करेक्टनेस ऑफ एन एल्गोरिथम का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी हम इनपुट उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए, कोई ना कोई एक स्पेसिफिक इनपुट होगा, तो स्पेसिफिक जो डोमेन है उसके करस्पॉन्डिंग अगर इनपुट देंगे तो हर एक इनपुट पे ये आपका रिजल्ट सही देना चाहिए। सॉर्टिंग की जगह पे सर्चिंग नहीं होगा, सर्चिंग की जगह पे सॉर्टिंग नहीं होगा, राइट। और हर एक करस्पॉन्डिंग एल्गोरिथम के करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आ रहा है वो सही आना चाहिए। तो ये था बेसिक पॉइंट एल्गोरिथम की डेफिनेशन, ये जो है एल्गोरिथम और स्यूडो कोड और ये प्रॉपर्टीज़ हो गई। इस वीडियो में बेसिक यही था। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई भी पॉइंट्स ऐसा लगे कि हाँ भाई प्रॉपर्टीज़ में कुछ कन्फ्यूज़न या इस तरीके से, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एल्गोरिथम के लिए क्या है। देखो सब्जेक्ट का नाम क्या, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, राइट। तो एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं वो इस तरीके से लिखेंगे, सिंपल प्लेन इंग्लिश या स्यूडो कोड के फॉर्म में एल्गोरिथम अभी आगे लिखेंगे हम लोग, डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम समझते हैं कि क्यों एल्गोरिथम की एनालिसिस ज़रूरी है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके।